क्या हाल चाल मेरी जनता, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो भाई हम लोग घर से निकल गए हैं ब्लॉग शूट करने के लिए। जा कहाँ रहे हैं वो हमें लोकेशन खुद को नहीं पता। ये क्या बात करते हैं यार। भाई कहाँ जा रहे हैं हम लोग। भाई हम लोग अभी बाहर निकल तो गए हैं ब्लॉग शूट करने के लिए, लेकिन हमें यही नहीं पता हम जा कहाँ रहे हैं। भाई हम खुद सोचेंगे, अब तो बताएंगे हम लोग जा। हाँ तो भाई थोड़ी देर सोचने के लिए चाहिए, सोच के हम आपको बताएंगे कहाँ जा रहे हैं। तब तक आप ब्लॉग में बने रहना, ब्लॉग को मतलब इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन ऑन कर देना, ताकि लेटेस्ट ब्लॉग सबसे पहले इनको देखने को मिले। तो भाई और हाँ, इससे पहले मैंने SSC MTS एग्ज़ाम का जो भी फुल इन्फॉर्मेशन था मैंने आपको वो वीडियो मैंने बना के पोस्ट कर रखी है यूट्यूब पर। और मतलब जो भी हुआ था, एग्ज़ाम देने गया था, फर्स्ट एक्सपीरियंस था, तो मैंने जो भी अंदर जो रूम वो एग्ज़ाम रूम के अंदर जो भी होता है सारी इन्फॉर्मेशन मैंने उस वीडियो में दी है। तो जाके उस वीडियो को देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो अभी हम सोच के बताते हैं जहाँ कहाँ रहे हैं, अब ब्लॉग में बने रहो। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। तो भाई हम लोग आ चुके हैं अपने बस स्टैंड पे, जो कि हमारा पालम फ्लाईओवर के ऊपर जो बस स्टैंड है उस पे आ चुके हैं। तो हमारा डिसाइड हो चुका है कहाँ जा रहे हैं भाई। जा रहे हैं ना, लेकिन एक और चीज डिसाइड नहीं हुई, हॉस खास में कहा। मतलब आज कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, आज का डे ही कंफ्यूजन है। तो शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। भाई वैसे तो वेदर बहुत अच्छा है क्योंकि बारिश हुई है, तो मौसम बहुत अच्छा है ना भाई। स्टेशन दिखा दो भाई। तो भाई हमारे ठीक साइड में है हमारा पालम का स्टेशन, मैं आपको दिखा देता हूँ। ट्रेनें लगी हुई हैं, तो ये हमारा पालम स्टेशन पड़ जाता है। तो भाई हम यहाँ से निकलते हैं हॉस खास जाके फिर बताएंगे आपको कि कहाँ जाना है। आप ब्लॉग में बने रहो, चलते हैं। A few moments later. तो भाई हम लोग उतर चुके हैं ये IIT के बस स्टॉप पे। तो भाई मैं बता नहीं सकता, आज तो स्कैम पे स्कैम हो रहे हैं उज्जवल भाई। भाई तीन जगह से हमारा बस का रूट डाइवर्ट कर दिया। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। दिल्ली कैंट से लेके आया गया हम लोगों को, तो यहाँ पे हम उतर गए हैं। लेकिन मतलब बात ये है कि G20 है, G20 स्टार्ट हो रखा है, 10 तारीख तक रहेगा ना। इसलिए बहुत सारे रास्ते इन्होंने ब्लॉक कर रखे हैं, इसलिए बस वाले को घुमा के लाना पड़ा। तो अभी हम चलते, एक पार्क हमें दिखा है रोज गार्डन, वहाँ पे हम चल के आपको दिखाते हैं। आप ब्लॉक में बने रहो। तो भाई ये रहा अपना मेट्रो स्टेशन IIT का, ये देख सकते हो सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है। मतलब यहाँ पे ये रोड तो अभी चल रहा है, लेकिन कई सारे रोड को ब्लॉक कर रखा है। जैसे हम आ रहे थे तो वो दिल्ली कैंट से लेके आना पड़ा था, सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है, हर जगह पुलिस वाले बैठे हुए हैं, बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी है भाई। चलते हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं अपने रोज़ गार्डन की ओर। तो भाई एक चीज़ और हमें दिखी, इसको तो आप जानती होगे, यूमा मेट्रो के पास लगी रहती है। तो भाई पे करके आप इससे राइड भी कर सकते हो अपनी प्यारी सी दिल्ली की सड़कों पे। बाकी एरा IIT मेट्रो स्टेशन मेजेंटा लाइन पड़ता है ये। तो भाई हम आ चुके हैं अपनी मंजिल। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। रोज गार्डन भाई ये तो कपल्स के लिए ही है, लेकिन हम तो आ गए ब्लॉग शूट करने के लिए। क्यों जल भाई? हाँ भाई कपल्स के लिए ही है। अरे सिंगल लोग जिंदाबाद। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। भाई मैं आपको अंदर एंट्री लेके दिखाता हूँ, बहुत सारे लोग उतने नहीं हैं, बने रहो आप ब्लॉग में। हम ये दूसरे गेट पे आए हैं, अंदर हम एंट्री ले चुके हैं, चेतावनी पढ़ लेना भाई,
अभी हम आपको पूरा मतलब पूरा गार्डन घूम के दिखाएंगे। बाकी अंकल सिक्योरिटी अंकल भी बैठे हुए, सिक्योरिटी गार्ड अंकल। अंदर चलते हैं, बहुत ही अच्छा है, खूबसूरत व्यू है भाई, देख सकते हो अंदर जंगल के अंदर जाने का रास्ता है। बहुत ही ज़्यादा पेड़ ओड़ हैं, मतलब यहाँ का नेचर बहुत अच्छा है, यहाँ का एयर भी बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा। बाकी अंदर धीरे धीरे चल रहे हैं, मतलब यहाँ अंदर मतलब एंट्री लेते ही बहुत ज़्यादा ठंडक सी नहीं होती, मतलब एकदम ठंडा ठंडा लग रहा है। बेंचेस भी लगा रखे हैं पेड़ों के बीच में बैठने के लिए। भाई रोज गार्डन देख के तो लग रहा है कि कपल्स के लिए ही है। ये क्या बात करता है यार। और इधर की साइड आप देख सकते हो पूरा जंगल ही जंगल है, आउटसाइड ये पड़ रहा है। आप पेड़ देख सकते हो आप, और ये अपना उज्जवल भाई, ये भी अपना ब्लॉग शूट कर रहा है। हाँ भाई, ये चीज जरूर ध्यान रखना, खाद का गड्ढा मतलब मैं समझा नहीं भाई, जा पूछ क्या भाई। अभी ब्लॉग में बने रहो, पूरा घूम के आपको दिखाएंगे, पूरा रिसर्च करके बताएंगे कौन सी इधर खुफिया जगह है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो, सब दिखाएंगे आपको। तो भाई उज्जवल भाई कैसा लगा आपको? एपिक लग रहा है। आपको भी अच्छा लग रहा हो तो आप कमेंट करके बताना कैसा लगा आपको। बाकी आपको एक चीज और दिखाऊंगा, कुछ आशिक, क्या नाम है भाई, मानवी लव राज, देख सकते हो भाई। जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो आप, एग्रेसिव होने की क्या बात, जान दे देंगे इसके लिए। तो भाई जो भी ये आशिक हैं, ये यहाँ पे ऐसे ना करें, मान लो ये कपल्स के लिए नहीं है, वैसे तो नॉर्मली यहाँ पे सभी लोग आ सकते हैं, पब्लिक एरिया है पूरा, तो भाई ऐसे ना किया करें। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। भाई आपको मैंने दिखाया पेड़ पे क्या क्या आशिकी बाजी, तो भाई सबसे रिक्वेस्ट यही है कि ये पब्लिक एरिया है, हाँ ठीक है आप लोग घूमने आ रहे हो, लेकिन ऐसी चीज़ें मत किया करिए, क्योंकि बच्चे भी आते हैं यहाँ पे, तो उन पे बहुत मतलब बहुत बुरा उन पे असर पड़ेगा इन सब चीज़ों का। तो भाई रिक्वेस्ट है सबसे, आओ घूमो, कपल सो चाहे कोई भी हो घूमो, लेकिन ये नेचुरल चीज़ों से ये सब ना किया करें, क्योंकि भाई बहुत गलत बात है, ये खुद की प्रॉपर्टी है, तो अपनी प्रॉपर्टी को ख़राब ना करो, यही रिक्वेस्ट है। बाकी आप लोग समझदार हो ही, बाकी आप ब्लॉग में रहो। तो भाई बहुत ही प्यारी जगह है ये, पीछे मैं आपको दिखाऊंगा उधर जाके भी, पीछे झूला लगा हुआ है बच्चों के लिए। और हमारे उज्जवल भाई खो गए कहीं, उज्जवल भाई, अच्छा उज्जवल भाई मिल गए गाइस, वो रहे उज्जवल भाई। ये क्या बात करता है यार भाई, मतलब इधर हर जगह बेंच वगैरह हर चीज लगा रखा है, आओ अपना बैठो आराम से, बहुत ही मतलब इतनी अच्छी जगह मुझे लगी ये, एनवायरनमेंट भी इसका बहुत अच्छा है, क्योंकि चारों तरफ पेड़ ही पेड़ हैं, पौधे लगा रखे हैं छोटे छोटे, यहाँ की एयर मतलब इतनी अच्छी, और आते ही सबसे पहले इधर एंट्री लेते ही एकदम ठंडी ठंडी हवा आने लग गई। तो मैं बता नहीं सकता, बहुत अच्छा है, आप लोग भी आओ, यहाँ नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है IIT, और गार्डन का नाम है हौस खास रोज गार्डन। तो भाई यहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है भाई? बहुत एपिक आ रहा है यार, अगर पूरे इंडिया में ऐसा एनवायरनमेंट हो जाए तो मजा ही आ जाए, मजा। अरे इधर आओ फैमिली के साथ भी आओ, ऐसा नहीं है कि कपल्स। भाई मैंने आपको बताया उज्जवल भाई, मैंने इनको ये भी बताया कि भाई ये पब्लिक एरिया मतलब पब्लिक के लिए पार्क है, तो यहाँ आशिकी बाजी ना करे ऐसे पेड़ों पे लिखे, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे भी आते हैं, और यहाँ इस पे आने के अंदर कोई फीस नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, फ्री में आओ, फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप आ सकते हो। और ये इतना अच्छा पार्क है और इतना बड़ा भी है, फिर भी इसको आज के दिन इंडियन गवर्नमेंट ने चालू रखा, वो बहुत अच्छी बात है, और छोटा भी नहीं है, बहुत ज्यादा बड़ा है, बहुत अभी तो मैं आपको पूरा दिखाऊंगा। हाँ अभी आगे चलते हैं और दिखाते हैं, आप ब्लॉग में बने रहो बस। तो भाइयों ये सामने देख सकते हो बच्चों के लिए झूले लगे हुए हैं, जिसके बच्चे आ रहे हैं इधर झूल सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और ये हम सामने की तरफ जा रहे हैं, यहाँ मतलब एंट्री देख सकते हो कितनी मस्त है इधर, ये पेड़ लाइन वाइज मतलब बहुत अच्छा नज़ारा इधर का, आप भी आओ घूमने। और लोकेशन मैंने आपको बताई, IIT मेट्रो स्टेशन नियरेस्ट है, और क्या कहते हैं गार्डन का नाम है हौस खास रोज गार्डन। तो बाकी आगे अभी चल के हम आपको दिखाते हैं। A few moments later.
तो भाई हम लोग बाहर आ चुके हैं गार्डन से, क्यों? क्योंकि अंदर बहुत ज्यादा सिक्योरिटी आ गई थी और सीएसएफ वाले आ गए थे, बोला बेटा टाइमिंग ओवर हो गई, आप लोग चले जाओ। और गार्ड भी थे, वो सबको ही, मतलब हमको स्पेशली नहीं, सबको ही भेज रहे थे, क्योंकि G20 है, आप भी समझ सकते हो सिक्योरिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो भाई हम आ तो गए थे, अब यहाँ से कहीं जाने का प्लान है नहीं, क्योंकि बहुत जगह बंद है और वहाँ तक की बसें चल नहीं रही है, तो इसलिए जाके कोई फायदा नहीं। इसलिए दिल्ली की सड़कें देखो कितनी खाली हैं, देख लो आज उतनी आपको भीड़ नहीं मिलेगी। तो भाई कहीं जाने का कोई फायदा नहीं, इसलिए हम सोच रहे हैं कि वीडियो को यहीं एंड करते हैं और हम लोग वापस घर चले जाते हैं, क्यों भाई? तो भाई माना कि हाँ छोटी सी वीडियो थी, मैनेज कर लेना इस बार, बाकी कमेंट करके बताना हम कहाँ जाके वीडियो बनाए। तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल बनाओ, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन कर, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी, मिलते हैं किसी और बेहतरीन वीडियो के साथ। तो भाई तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, लव यू।